जी जनाब सर सर नॉर्मली एक मतलब बात है कि इस तरह की जो स्टूडेंट स्पीकिंग जो है इनको ओवरकम कर सकते हैं यूज़ बाय यूजिंग ऑफ चंक वर्ड्स फिलर सर होते हैं इनके लिए चंक नहीं फिलर होता है चंक इज डिफरेंट फिलर इज डिफरेंट अंग्रेज भी यूज करता है तो क्या इंटरव्यू के दौरान हम कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं मैं आपको अर्ज करता हूँ बड़ा अहम सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है देखिए आपका अगर नेचुरल आपकी उर्दू में भी मौजूद है और अंग्रेजी में भी मौजूद है तो पहले तो ये ठीक है इसका फ्लुएंसी से कोई ताल्लुक नहीं है अगर आप नेचुरल भी उर्दू में भी ऐसे बात करते हैं लेकिन अगर आप किसी खौफ की वजह से आपको भूल जाते हैं लफ्ज़ और ऐसी सूरत में तो फिर आप यूज कर देते हैं कनेक्टर्स होते हैं छोटे छोटे अंग्रेज आई गेस बड़ा यूज करता है आई रेकन एंड यू नो व्हाट टू टेल यू द ट्रूथ फ्रैंकली स्पीकिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग वेल ये सारे फिलर्स हैं और इन्हीं फिलर्स को यूज करते हुए क्या करते हैं सोचने के लिए टाइम ले लेते हैं तो यू कैन लेकिन आप अगर फिलर्स को इसलिए दिमाग में बिठाओगे कि कहीं भूला तो मैं ये लगा दूंगा तो भाई उसको भी तो याद करना पड़ेगा उस समय जब उसको याद करना पड़ेगा जो छोटा पॉज था वो जनाब मन इसलिए ध्यान रखें रोजमर्रा का अपने डेली रूटीन का जब आप अपने फिलर्स को भी हिस्सा बना लेते हैं तो नो इशू होम जी दे रहे हैं देखिए बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजी में इंटरव्यू की मुझे समझ नहीं आती ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर मुझसे कोई बात करे ना मैं जब अंग्रेजी पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस वक्त अंग्रेजी बोलूँ चूंकि जाहिर है अंग्रेजी पढ़ाने से मेरा जीवन ही नहीं जब ये स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैंने अक्सर देखा है कि दो वो लोग चाहे आप इंडियंस के साथ बैठे हो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं उसको भी उर्दू हिंदी समझ आती है आपको भी उर्दू हिंदी समझ आती है फिर भी आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं सो वी हैव इनकी जरूरत नहीं है नेवर एवर हाँ आप जब आपके साथ सवाल ही अंग्रेजी में किया गया है क्या किया गया है सवाल ही अंग्रेजी में किया गया तो जवाब इसका मतलब वो अंग्रेजी में मांग रहे हैं आपसे उसका तो जवाब आपको उर्दू में देने की कोई जरूरत नहीं है हाँ किसी लफ्ज को बोलते वक्त आपको अगर दिक्कत हुई है तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाए इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता जी जनाब सिटिंग पोजीशन द वे यू सिट जी हाँ जब एक तो आप इंटरव्यू डे को दो किस्म के अगर आइल्स के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप उस तरह के लिबास में जाएं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं स्पेशल ड्रेस नहीं होना चाहिए आइल्स में भी दूसरी बात आप कहीं भी दुनिया जहान में इंटरव्यू देने जाएं इंटरव्यू डे को कभी भी ना नया जूता पहनना चाहिए ना नए कपड़े पहनने चाहिए हमेशा एक का दफा उसको पहन लेना चाहिए क्योंकि आप जिन कपड़े नए कपड़ों में इंसान शुरू में घुसता है बाद में पहनता है जुमला दोहराइएगा साथ वाले को बड़ा अहम जुमला अगर पहुंच रहा होता है इस तरह जूता पांव के साथ जूते को बड़ा वक्त लगता है एक दो तीन दिन फिर क्या होता है आपने इंटरव्यू के क्वेश्चन पे सवाल के ऊपर जवाब देने के ऊपर आपने ध्यान देना है या आपने ये देखना है कि जूता आपको काट रहा है कुछ लोग ना इंटरव्यू वाले दिन टाई लगाते हैं आज तक नहीं लगाई उस दिन ऐसे लगते जैसे फांसी लगाई हुई वो फिर उनका ध्यान और होता है नेवर एवर एक बात कि लिबास आप वही पहन के जाएं जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हैं वन थिंग चूंकि आप एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं लेकिन अप्रोप्रिएट जरूर हो इन अप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए दूसरी बात आप जब बैठ जाते हैं उनके सामने तो इजाजत लेते हैं कमरे के अंदर दाखिल होते हैं वो आपको कहते हैं हैव अ सीट प्लीज आप बैठ जाते हैं सीट के ऊपर जब आप बैठते हैं तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि उस टेबल के ऊपर आप हाथ रखें आपको टेबल पर हाथ नहीं रखना चाहिए मैनर्स में भी नहीं दूसरा कुछ लोग कुर्सी के ऊपर अपने आप को एडजस्ट करते को तीन चार दफा लात मारते हैं मेज को यह भी नहीं होना चाहिए कुछ होते पटक 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 कमरे के अंदर ऐसे आते कयामत आई हुई होती ऐसा भी नहीं होना चाहिए यानी यूनिट इसीलिए कहते हैं जूता भी इस तरह का पहन के जाना चाहिए कि अगर वहां लकड़ी वाला फर्श है तो आवाज नहीं आनी चाहिए पांव की इस तरह का जूता पहन के जाना चाहिए जब आप वहां पर जाते हैं और जब आप उस कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो आपको देखना है कि आपने एक होती है यूं क्रॉस लेग होना एक होता है यूं बैठना और दोनों सबसे बेहतर होते हैं इंटरव्यू के लिए जिसमें आपकी बैक जो है वो इरेक्ट होती है सीधी होती है और वो कुर्सी के साथ लगी हुई होती है वो क्या होती है कुर्सी के साथ लगी हुई होती है वो वहां पर
समझ रहे बात को, उसको कहीं आप जो है ना वो इधर उधर करके नहीं बैठ सकते उसके साथ। कुछ होते हैं इस तरफ को गिरे हुए होते हैं, कुछ होते हैं इस तरफ को गिरे हुए होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गिरे हुए होते हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उनके मुतालिक राय नहीं अच्छी कायम की जाती, चूंकि वो आसरों और सहारों में बैठे होते हैं। हमेशा सीधे आपने बात करनी है, आपकी गर्दन का भी स्टाइल उसी तरह से सीधा होना चाहिए जब आप बात कर रहे हैं, वो यूं करके नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं खराब होना चाहिए कि लगे जैसे सरिया है गर्दन के अंदर या कोई मसला हुआ हुआ यहां से उसकी कोई रगवक खिंची हुई है, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। दैट कैन, तो आप जब भी वहां पर जाते हैं और लाइवलीनेस चेहरे के ऊपर, ऐसे नहीं कि जान निकला चाहती है, वो भी चेहरे के ऊपर ऐसे असरात भी नहीं होने चाहिए, लाइवली होना चाहिए चेहरा, यानी देख के खुशी फील हो, देख के बात करने को जी करे। Am I clear? जी, साथ वाले की तरफ देख के मुस्कुरा दे जो सड़े हुए शायद इस्तफास पड़े हैं। जी जनाब, उसमें वो काफी लेंथी और लंबी स्टेटमेंट है। जी जनाब, समटाइम वो नहीं अंडरस्टैंड, मतलब नहीं पता चलता वो क्या मतलब, तो उसको अगर नहीं समझ आई तो उन्होंने आपको नौकरी नहीं देनी होती, दूसरे मानों में बेइज्जत करना होता है। आइल्स के इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है, वो फैसिलिटेटर हैं, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि स्ट्रेस जितना कम किया जा सके करें ताकि आप परफॉर्म बेहतर कर सकें। 11 से 14 मिनट का जो आपका इंटरव्यू होता है, पता ही नहीं लगता इंटरव्यू खत्म हो जाए, तो आप कहते हैं यार मैं इतना परेशान इसके लिए था, और ये 99.99% जब एग्जाम से बाहर आते हैं, इंटरव्यू देकर आते हैं, वो सारे यही कहते सुनाई देते हैं कि किस तरह का ये था। अच्छा, अब आपको पढ़ के एक तो समझना नहीं, उसने बोलना है। जब आपको एक बात समझ नहीं आएगी, आप उसका जवाब कैसे देंगे? आप नहीं दे सकते, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सॉरी आई कुडन कैच यू, सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, ओके कैन यू रिपीट इट फॉर मी। और अगर उन्होंने ऐसा लफ्ज बोल दिया जिस लफ्ज का भी आपको मतलब नहीं आता, तो आप कह सकते हैं कैन यू रीफ्रेज, फिर आप उस वर्ड को वहां पर लगाकर प्लीज लगा दें आखिर में, तो आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जनाब, यस नेचुरल। अगर आपके यहाँ स्माइल जिस तरह की आपकी है, हाँ वो तो नहीं होना चाहिए, वो तो खैर होना भी नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने नेचुरल आप होंगे उतने आप भी ईज पे हो। बहुत कम ऐसा होता है, उन जगहों पर होता है ये जो बाकी इंटरव्यूज होते हैं, इसमें एग्जामिनर इस तरह से नहीं करता है कि वो आपको, चूंकि वो कोई इंटेलिजेंस का आदमी तो नहीं बैठा हुआ, वो तो वहां बैठे आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, बल्कि ख्वाहिश कोशिश ये होती है कि आप कंफर्टेबल फील करें ताकि इंटरेक्ट उस हिसाब से कर सके। जी जनाब, यस द थिंग इज रिपीट हम कब करते हैं वर्ड्स को, जब वन थिंग वी आर नॉट रेडी फॉर दैट, सेकंड वी आर लॉस्ट। रिपीट करता वो ये जो लॉस्ट होता है, जब आप लॉस्ट नहीं होंगे आप रिपीट नहीं करेंगे। आप अपनी रोजमर्रा में भी आपस में एक दूसरे से बात करें, उर्दू में, सराइकी में, पंजाबी में, सिंधी, बलोची, बलती, जो भी जबान आपकी, आप जब उसके अंदर बात कर रहे होते हैं आप रिपीट कब करते हैं? तो आपने इसमें क्या करना है, नेचुरल जब आप बोलेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी लफ्ज को रिपीट करने की, वन थिंग। सेकंड, जब मैं आपके दूसरे हिस्से में अपनी गुफ्तगु के आपसे अर्ज कर रहा था कि आप इंप्रूव करें अपनी वोकैबुलरी को और वैरायटी को, जब आप उसे इंप्रूव करेंगे, और कितने सोर्सेज हैं, देखिए रीडिंग आपके पास सोर्स, लिसनिंग आपके पास सोर्स, अपना लिखा हुआ आपके पास सोर्स, बुक जो हमने लगवाई हुई है वो आपके पास सोर्स, उसके बावजूद भी आप रिपीट कर रहे, तो इसका मतलब यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। जी जनाब, सर ये जो गला साफ करते हैं, दो बातें स्पेयर्स करूंगा। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, वैसे तो वालिद साहब के दोस्त हैं, जो कि उम्र उनकी उस हिसाब से है, स्पेशलिस्ट हैं गले के और नाक के। वो ये कहते हैं ये जो गला साफ करते हैं, खंगारते हैं और कहते हैं कि मेरा गला साफ हो जाता है, ये अक्सर वुजू करते हुए भी आपको नजर आते हैं इस तरह लोग, और वैसे भी सर्दियों में जो वुजू नहीं भी करते वो भी इस तरह, तो जब वो इस तरह गले साफ कर रहे होते हैं तो कहते हैं गला इससे खराब होता है, साफ नहीं होता है, स्पेशलिस्ट जो साइन जानते। दूसरी बात, अगर तो आदत है तो कीजिए, आप
11 से 14 मिनट रुक के देख लीजिए, अगर आप रुक सकते हैं तो, कि इंटरव्यू के दौरान गला ना ही साफ करें तो बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि गला साफ करने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि उस वक्त गला खुश्क हो जाता है, तो उसका हल क्या है? मिश्री खा लें, कोई ऐसी चीज खा लें वहां पहुंचने से पहले। ये ना हो कि आप उनके पास जाके बैठे और आप कहेंगे सॉरी मैं कुछ खा रहा हूं, ऐसा भी नहीं करने का, बिल्कुल ऐसा नहीं करने का। जो भी खा मर के जाना है खा मर के जाए, जब आप अंदर जाए तो गला तर होना चाहिए ताकि आप बेहतर गा सके, बोल सके, ठीक है। करना नहीं चाहिए गला, क्योंकि गला साफ करने को वैसे भी मैनर्स में ये बात नहीं आती, आप कच्चा खंगार रहे हो या गला साफ करना, दिस डज नॉट लुक नाइस। जी एक तो आपको इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला यूं बैठता है, यूं बैठता है, यूं घोड़ी डालता है, ये करता है वो करता है, ये उसका टेंशन है, उसको करने दो जो वो कर रहा है। आपने जो पेश करना है बस आप उसका ख्याल रखें, उसके अदा पे मत जाइएगा। कहते वो सोच कुछ और रहते, हम कहते शायद हमारा, ऐसा नहीं होता है। हम मैं अक्सर डॉक्टर्स को जब ट्रेनिंग करवाने के लिए जाता हूं तो आई टेल देम कि आपके पास रिपोर्ट आई है ना, तो आपने रिपोर्ट के सामने कुछ देखते हुए यकदम आपका यूं आपने ये किया तो जो साथ खड़ा हुआ है वो तो गया, उसको लगा पता नहीं कोई, और हो सकता है आपने सर में किया कि मैंने बच्चे को भी पिक करने जाने, आपने वो सोचा। इसलिए बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है, लेकिन इंटरव्यू वालों को ध्यान रखने की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिसने देना है ध्यान सारे उसी ने रखने। ये आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी। तो मेरा ख्याल है कि हर एक एक टैलेंट होता है इंसान को, अल्लाह ताला ने नेचुरली जो है वो बंदे को हर एक को डिफरेंट टैलेंट अता किया होता है। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, हमें खुद पर यकीन होना चाहिए, जिसको खुदा पे यकीन होता है खुद पे यकीन होता है, फिर उस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त।